बीटीएस न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का बीटीएस न्यूज़ में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। छोटे गरीब के लिए क्या कर सकते हैं? आज जो ये प्लाज्मा डोनेशन का जो बात हुआ, 95% प्लाज्मा डोनेशन गरीब लोगों को दिया गया है जिनके पास पैसे नहीं थे, जिन्हें इमरजेंसी, जिन्हें मालूम भी नहीं था कि प्लाज्मा क्या होता है, कैसे डोनेट किया जाता है, कैसे लिया जाता है। और इसीलिए उसके लिए हमारे टीम मेंबर हायर किए, मेंबर्स थे जिसमें कि तुरंत कोऑर्डिनेशन हो, एम्बुलेंस आए, हॉस्पिटल से टाई अप हो और लोगों को मदद मिले। तो हमारे लिए तो पूरे डिपार्टमेंट के लिए बहुत खुशी की बात है। और डिपार्टमेंट का सही माने में अगर सोचिए तो हमारा ताकत आपके सपोर्ट से आता है, हमारा एंथुजियाज्म आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है उससे आता है। और इसीलिए जब कभी भी कोई बड़ी इशू होती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां तो इंसान से होती ही हैं। अगर 1000 काम हम करेंगे तो 10 काम हमसे जरूर गलत होगा उसमें, लेकिन हमारे मोटिव पर जाइए, हमारा जो नियत है उसको देखिए, और अगर कोई गलती हो रही है तो उसको कैसे इंप्रूव करें उसमें आप हमारे साथ रहिए जरूर। तो एक बार फिर पूरे सिटी पुलिस के तरफ से आप सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज की टाइम में सबसे बेशकीमती चीज है समय, और आपने ये समय देकर हम लोगों के ऊपर एक भरोसा दिखाया है कि आप हैदराबाद सिटी पुलिस पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हमारे पास, सिटी पुलिस के पास, हमारी जो भी कैपेसिटी है, हमारी जो भी काम करने का ताकत है, ये सब आपके लिए है, आपके फैमिली के लिए है और आपके आपके कॉलोनी के लिए है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बीटीएस न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।